हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑल एक्टिविटी होम में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आटे के नूडल्स, जो अभी हम ना 4 बजे है बज रहे हैं अभी, और मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। कुछ खाने का मन कर रहा था उनका, तो सोचा आप लोगों के साथ वीडियो ये शेयर करूँ। तो चलिए, मैंने किस तरह से ये आटे के नूडल्स बनाए हैं वो आप लोगों को दिखाती हूँ। पानी उबालने के लिए रखा था इस तरह से, और इसमें डाल रही हूँ नूडल्स, और एकदम लंबे लंबे वाले थे तो मैंने ही इसे तोड़ के इस तरीके से किया है, ताकि इस तरह से मेरे बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके के। तो इस तरह से अब इसे उबाल आने दूंगी और अच्छे से उबाल लूंगी। तो अब इस तरह से मैंने एक टोमेटो कट कर लिया है, और जो पत्ता गोभी है हमारी वो, और कुछ हरा धनिया है, और इस तरह से रेड चिली दी है। नूडल्स में मेरे बच्चों को रेड चिली ही बहुत पसंद है, वो ग्रीन चिली मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो ग्रीन चिली उन्हें पसंद नहीं है नूडल्स में। और एक प्याज काट लिया है, जो बच्चों को पसंद है मैं उनके हिसाब से डाल रही हूँ इसमें, जो जो पसंद है। नूडल्स उबाल, देखिए इस तरीके से उबाल लिए है। अब इस ये जो छन्नी है इसमें चालनी में इस तरीके से अब मैं निकाल लूँगी। बस इस तरह से अब एक कढ़ाई रख दी है मैंने। अब इसमें ऑयल डालूंगी थोड़ा सा इस तरीके से। ये वाला जो मेरे पास माप है, इससे मैंने 3 माप्स इसमें ऑयल डाला है। सबसे पहले प्याज डालूंगी, थोड़ा प्याज के बाद थोड़ा सा जीरा डालूंगी। अब इसमें ये सब्जियां जाएंगी जो मैंने धो के ही काटी थी। अब नमक डालूंगी, अब थोड़ा सा लाल तीखा डालूंगी। ज़्यादा सब्जियाँ मैंने इसमें नहीं ऐड की है, अब ये डार्क सोया सॉस है तो अब ये डालूंगी थोड़ा सा। तो देखिए अब इस तरह से कलर चेंज हुआ है। अब डालूंगी सॉस इसमें, अब थोड़ा सा इसमें ऑरेंज वाला फूड कलर डालूंगी। अब इसमें हमारे नूडल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से कलर हमारा जो है काफ़ी खूबसूरत सा आया है, और थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया और डालूंगी जो पहले भी डाला था। तो इस तरह से अब एक प्लेट में सर्व करूंगी, बाद में देखना आप किस तरह से। तो देखिए इस तरह से काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं नूडल्स बनाए हैं, तो इस तरह से बने हैं। तो कैसे लगे आपको आटा नूडल्स, तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को सब्सक्राइब करना, साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, साथ साथ एक ब्यूटिशियन हूँ, मेरा घर में छोटा सा पार्लर है जो मैंने आप लोगों को दिखा चुकी हूँ वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ लाइक कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवरीवन। अगर वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। बाय।